मुसलमानों को अपना एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी जरूरी है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कोई हराम नहीं है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एक कम्युनिटी के पास एक टूल है जिससे वो अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए काम करें। तो अब वक्त आ गया है एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी की तरफ, एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स के बारे में सोचने का वक्त आ गया है, क्योंकि जिन पर आपने भरोसा किया वो ये आरएसएस के ट्रक से नहीं लड़ सकते। ये जो आज इंडिया के अंदर अपोजिशन पार्टीज बहुत है लेकिन इंडिया में अपोजिशन नहीं है, इंडिया में अपोजिशन पार्टीज बहुत है लेकिन अपोजिशन नहीं है, इसलिए आज आरएसएस समझ रहा है इंडिया के अंदर आरएसएस के एजेंडा के लिए अगर सबसे बड़ा अपोजिशन कोई है तो वह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है। इसमें कोई दो राय नहीं,